अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ ज़रदा, और इसके लिए मैंने चावल ले लिए हैं 1 गिलास, चीनी ले ली है और ज़रदे का कलर ले लिया है, बादाम, किशमिश, नारियल और छवारे, तो ज़रदे की जान है वो भी जाएंगे। अब मैंने 1 गिलास जिसमें चावल नापे थे वही गिलास पानी का भरकर बॉईल होने रखा है। फिर उसमें मैं जर्दे का कलर ऐड कर दूंगी, और एक कन्नी जब रह जाएगी चावल पकने में चूल्हा बंद कर दूंगी, और उसके बाद घी लूंगी थोड़ा सा, उसमें ये तमाम मेवे थोड़े से तल लूंगी, और उसके बाद चीनी शामिल करूंगी और चावल शामिल कर दूंगी, और हमारा ज़रदा तैयार हो जाएगा। चीनी ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो जैसे मैं कर रही हूँ पानी शीरा तैयार करना है उस तरह, और दूसरा तरीका होता है कि चावलों के ऊपर ही एक तह चावल की लगाएं और एक तह चीनी की, फिर एक तह चावल की, फिर एक तह चीनी की, जिस तरह बिरयानी की तह लगाते हैं ऊपर सालन डालते हैं और फिर चावल, इसी तरह ये उन लोगों के लिए आसानी है जो लोग नए हैं, क्योंकि जर्दे के चावल अक्सर एंट जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो शीरे को कुछ ज़्यादा ही गर्म, ज़्यादा गर्म शीरे में अपने चावल डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो वो संभाल नहीं पाते। तो इस तरह से बिरयानी वाले तरीके से चीनी करेंगे तो ईजी रह जाएगा, चीनी एंठेगी नहीं, चावल एंठेंगे नहीं उस चीनी की वजह से, जबकि शीरे वाली चीनी अक्सर एंट जाती है जो लोग नए नए होते हैं कुकिंग में। चलें आए चलते, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। पानी बॉइल हो रहा है और इसमें जर्दे का कलर जा रहा है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और चावल डालने लगूँगी इसमें। अब बस मुझे इंतज़ार है इसकी एक कनी हो जाए, चेक करके देखूंगी हाथ पर, बस जब एक कनी रह जाएगी तो चूल्हा भी ऑफ हो जाएगा और चावल भी एक बार पानी से गुजार दूंगी, ठंडे पानी से, ताकि ना तो ये जुड़े और ना ही ये मज़ीद कुक हों। ये हम मधुबनी के कारनामे, तरह सभी संभाल दूंगी से। भी मैंने गर्म होने रखा है और मैंने हाफ लेमन भी ले लिया है, क्योंकि सर्दी में मैं हाफ लेमन का रस भी डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। पहले तो मैं इन तमाम मेवों को थोड़ा सा घी में तलने लगी हूँ, पहले मैं ज़रा छवारों की गुठली निकाल दूँ। छुरी
से मैंने चवारों के पेट कर दिए हैं चाक, क्योंकि गुठली निकालनी थी। अब जिस जब आप कभी ऐसी चीज़ यूज़ करें और आपको डर हो कि ये कहीं बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो उस दिन आप ठंडी तासीर वाली चीज़ भी इस्तेमाल कर लें ताकि बैलेंस हो जाए। किशमिश मैंने अलग रख दी है क्योंकि मुझे किशमिश को फ्राई नहीं करना। बस इन्हीं तीन चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी। घी हो गया है गरम और मैंने इसमें शामिल करनी है लौंग, मोटी इलायची और छोटी इलायची। इसका तड़का देने के बाद मैं इसमें चीनी और पानी शामिल करके जल्दी जल्दी चम्मच हिलाऊंगी ताकि चीनी ठीक से मिक्स हो जाए। मेरे पास चीनी भी है और ये पानी भी है। पहले मैं चाह रही हूँ अपनी चीनी डाल लूँ ताकि मेल्ट हो, तो साथ ही पानी शामिल कर दूँ। एक तरीका तो ये है कि चीनी को मैं घी में ही मेल्ट कर लूँ, या फिर एक तरीका है कि पानी में पहले शीरा बना लूँ और वो शीरा शामिल कर दूँ घी में। मेरे हाल मैं इस टाइम गर्म पानी लूँगी, चीनी पहले डालूँगी, फिर बाद में इसमें गर्म पानी एक गिलास डाल दूँगी। इस मैं शामिल कर रही हूँ और जल्दी आँच में थोड़ी धीमी करूँगी, थोड़ी सी हल्की कर दूँगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं करूँगी। ये चीनी शामिल हुई और इसको मेल्ट करना शुरू करूँगी। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी जो कि मेरे पास गर्म पानी है। जल्दी करूँगी वरना ये सख्त हो जाएगी। बाकी है और साथ साथ मुसलसल मैं चम्मच चलाऊँगी वरना मेरी चीनी सही नहीं होगी। पानी पहले मैंने बॉयल कर लिया था, उसके बाद मैंने चीनी के बाद पानी शामिल किया है और चम्मच चला रही हूँ। अच्छे से ये मिक्स हो जाए और पानी एक बार बॉयल हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें चावल शामिल कर देने हैं और जब दम के करीब होंगे तो इसमें बाकी जो मेवा मैंने थोड़ा सा तल के रखा है वो डाल दूँगी। मैं चावल शामिल करने लगी हूँ। इसे संभाल लूँगी, इसी तरह मैं सारे चावल शामिल कर दूँगी। ये हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं लेमन का रस शामिल करूँगी। बीच देख लूँगी कि बीच ना हो कोई, वरना ये देखिए मैंने शामिल कर दिया। एक तो टेस्ट ज़्यादा मज़े का होगा और दूसरा हमारे चावल खिले खिले से रहेंगे। नीचे छवारे की गुठली बच गई थी, इसको सेव तो कर लें, बड़े काम की चीज़ है ये। आँख पर निकलने वाली खुनसी जिसको गोहनी भी कहते हैं, उसमें हमारी होम्यो मेडिसिन भी बहुत अच्छी है, जैसे स्टाफी साइगेरिया दी जाती है वो बहुत अच्छी है, उसको पीने के लिए दिया जाता है। और ये जो छवारे की गुठली है इसको किसी मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा वगैरह होता है मिट्टी की देगची, उसके तलवे पे बेस पर रगड़ कर अच्छे से घीस कर जो निकले सको वो थोड़ा सा उस आँख पर निकलने वाली फुंसी पर लगाया जाए तो वो दाना वो फुंसी ठीक हो जाती है, उसका वर्म उतर जाता है। मेरी जो मामा थी वो इस छवारे की गुठली पर दम करके लोगों को दिया करती थी और माशाल्लाह से वो ठीक हो जाते थे। वैसे जो आँख वगैरह पर जो निकलती हैं फुंसियाँ, वो हनी वगैरह, वो दरअसल
उन लोगों को होते हैं जिनके मेदे में कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें बदहजमी के जो पेशेंट होते हैं उन्हें अक्सर निकल आती है, तो वो चेक रखें। बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्यो में, तो अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। बस ये रेडी है और टेस्ट तो इसका रोज़ेदार बताएंगे। रोज़ा खुलने में अभी काफ़ी टाइम है और ये एक सरप्राइज़ डिश है रोज़ेदारों के लिए। अभी किसी को नहीं पता कि मैंने ज़र्दा बनाया है। ये हो गया है रेडी माशाल्लाह से। और वो प्लेट में डालने लगी हूँ और अभी मैं इसे संभालती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूँ, नीचे गिरती है चावल। ये हो गया है रेडी माशाल्लाह से। और ये देखें अब मैं इसको प्लेट में डालने लगी हूँ और अभी मैं इसे संभालती हूँ। थोड़ा सा मैं सही कर दूँ, नीचे गिरती है चावल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़र्दा तैयार है और यहाँ पे भी है। आप बताएं ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वाइट में? वाइट में वैसे हर चीज़ अच्छी लगती है, निखर के कलर आ जाता है ना। खैर ज़्यादा ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है। आपको पता है मैंने सबसे पहले क्या बनाना सीखा था? मैंने ज़्यादा बनाना सीखा था और वो भी चोरी चोरी सीखा था, क्योंकि हमारे घर में ना अम्मी ना अबू कोई भी काम नहीं करवाता था, किचन में नहीं आने देते था। तो लेकिन जब भी अम्मी ज़र्दा बना रही होती थी तो मैं ज़रूर किचन में जाती थी और अम्मी मुझे लगा देती थी, कहती थी ठीक है किशमिश धो दो मुझे या बादाम कूट दो, बस इन्हीं कामों में। और मैं बहुत गौर से देखती थी कि अम्मी बना कैसे रही हैं, क्योंकि ख़ुद मुझे भी पसंद था ज़र्दा और मेरे बाबा को भी बहुत पसंद था। एक दिन सब लोग सोए हुए थे, गर्मियाँ थी ना तो सब सोए हुए थे और मैं चोरी चोरी किचन में गई और मैंने ज़र्दा बना दिया। जब अबू उठे जल्दी से, मैं इंतज़ार करती थी कब अबू उठेंगे, अबू उठे मैंने अबू को दिया और सबको दिया, तो सबने खा लिया। और उन्होंने पूछा, मेरे अबू ने पूछा कि किसके घर से आया है ज़र्दा? मैंने कहा किसी के घर से नहीं आया, ये मैंने बनाया। और किसी को यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं थी। उन्होंने कहा आपको तो कुछ भी नहीं आता तो ये कैसे आ गया? फिर मैंने बताया मैंने अम्मी को देख देख के सीख लिया है। और फिर देख जा दिखाया मैंने सबको कि ये देखो मैंने खुद अपने घर पे बनाया है। तो मेरी अब्बू ने बताया कि ज़र्दा बनाना तो सबसे मुश्किल काम होता है और जो ज़र्दा बना ले समझ जाओ कि वो सबसे अच्छा कुक है, बहुत अच्छा शेफ है। मैं इतना खुश हुई, हालांकि मुझे और कुछ भी नहीं आता था। फिर मैंने बस अम्मी को ज़र्दा ही देखा था और ज़र्दा ही बना लिया था सबसे पहले। फिर अब्बू ने मुझे चाय बनाना सिखाई थी और फिर बाद में होता रहा ऐसे। चले अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आज भी मैंने चोरी चोरी बनाया ज़र्दा, पता नहीं क्यों जब भी मैं बनाती हूँ मैं छुप छुपा के ही बनाती हूँ ज़र्दा, और ताकि अचानक से सरप्राइज़ कर दो सबको। अब जब रोज़ा होगा खुलेगा तो
फिर मैं ये रखूँगी डिश, फिर देखें सब क्या कहेंगे। चलें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।